गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक. इससे पहले हम दो चैप्टर फिनिश कर चुके हैं बेटा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द रेलवे कैरेज. यानी जो जब भी आप ट्रेन में गए होंगे, कैरेज मतलब ट्रेन, रेलवे मतलब ट्रेन, और कैरेज मतलब डब्बा. यानी ट्रेन के डब्बे से क्या है जो इस पोएम का पोएट है, लिखने वाला है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने विंडो में से क्या देखा, क्या चीजें देखी. ठीक है, उस सब के बारे में ये पोएम जो है वो है. ठीक है, फास्टर देन द फेरीज, फास्टर देन द विचेस, ब्रिजेस एंड द हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. यानी फेरीज और विचेस, यानी परियों से और जो चुड़ैल होती है, ठीक है, उनसे भी तेज. और क्या उन्होंने देखा, ब्रिजेस देखे, हाउसेस देखे, यानी ट्रेन के बारे में बता रहे. इतनी तेज चल रही थी और रास्ते में क्या आ रहा था, ब्रिज आ रहे थे, जो ब्रिज होता है ना, पुल, वो आ रहे थे, घर आ रहे थे, घासे आ रही थी और गड्ढे आ रहे थे. एंड चार्ज अलोंग लाइक अ ट्रूप इन बैटल ऑल थ्रू द मीडोज एंड हॉर्सेज एंड कैटल्स. यानी इतनी जल्दी जल्दी चल रही थी, जैसे जैसे बैटल्स में ट्रूप्स होती है ना, तोपे होती है वैसे. और क्या थे, घासे थी, हॉर्सेस थी, कैटल थी. ठीक है, उन सबको पार करती हुई जो ट्रेन है वो जा रही थी. All of the sides of hills and the plain fly as thick as driving rain. यानी सारी सब कुछ मैं देख पा रहा था, पहाड़ देख पा रहा था, जमीन देख पा रहा था, और ऐसे उड़ रहा था जैसे मतलब बारिश में कोई उड़ रहा हो. And even again in the wink of an eye, painted station whistled by. ठीक है, और मतलब जैसे पलक झपकाओ इतनी जल्दी एक पेंटेड स्टेशन भी आ गया, स्टेशन भी आ गया जब ट्रेन ने एकदम सीटी बजाई. Here is a child who clamber and scramble. वहां पर एक बच्चा था जो क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था हाथ पैरों से. ठीक है, all by himself and gather brambles. और खुद से चले जा रहा था, मतलब जैसे हाथ पैरों पे चलते हैं ना, रेंगते हैं छोटे छोटे बच्चे, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो वो चल रहा था. और बुशेज थी वहां साइड में, क्या थी, घासे थी, उनको पकड़ रहा था जोर जोर से. Here is a tramp who stand and gaze. वहां पर एक खंबा था जो खड़ा हुआ था. And here is a green for stringing and the daisies. और वहां पर कुछ घासें भी थी. Here is a cart run away on the road. वहां पर एक गाड़ी थी, जैसे बैलगाड़ी होती है ऐसी थी, जो रोड पर भाग रही थी. Lumping along with the man and load. जिसपे एक आदमी बैठा था और कुछ सामान रखा था. And here is a mill and there is a river. Each a glimpse and gone forever. मतलब कहीं पर मिल थी, कहीं पर नदी थी. मिल पता है ना, जहां पर सामान पड़ते हैं, बनते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री. कहीं पर मिल थी, कहीं पर रिवर थी, और सब इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा था पलक झपकते ही. तो बेटा आपकी जो स्टोरी, ये पोएम है, ये यहीं पर फिनिश होती है. इसको लिखा है आरएल स्टीवनसन ने. आपको पोएट का नाम जरूर याद होना चाहिए, पोएम का नाम जरूर याद होना चाहिए. ये पोएम जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है सबसे पहले. ठीक है, सबसे पहले आप सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में चैप्टर का नाम डालेंगे और इस पोएम को नोट करेंगे. ठीक है, आपकी रीडिंग जो है वो यहीं पर फिनिश होती है चैप्टर नंबर 3 की.